हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत वेलकम आप सबका। मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित आप सबका बहुत बहुत वेलकम करते हैं हमारे चैनल में। तो आप सब देख रहे हो, हमारे घर में कुछ पूजा हो रहा है। सामने कुछ बना हुआ है मिट्टी टाइप का, मैं बता देती हूँ ये मिट्टी का नहीं है, ये गोबर से बना हुआ है। और दो दो कठपुतली टाइप का वहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो ये जो हम पूजा कर रहे हैं ना, ये वाला जो पूजा है ये है आपका षठी माता का पूजा। तो जैसे मैं बता रही हूँ आपको, आप लोग देखते जाओ, यहाँ पे ना ये वाला पूजा बच्चे लोगों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे एक बेड छोटा सा है, इसमें छोटे छोटे देखिए यहाँ पे लिखा है सौठी ओसा कहानी, उड़िया में लिखा है सौठी ओसा कहानी। और यहाँ पे जो है ये वाला देखिए क्यूकुम्बर है, और ये सब ना छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। और यहाँ पे भोग बना हुआ है, साइड में आपका पत्ता है, वो सब है। वो जो जो है पूजा का सामान यहाँ पे रेडी कर रहे हैं हम लोग, पूजा करेंगे अभी। घर में दीदी, मैं और स्वाति, हम तीनों ही फास्टिंग करते हैं। और मेरी ये जेठानी आई हुई है, मेरी चाची सास आई हुई है, और एक दीदी आई हुई है, तो माना दीदी। तो हम सब मिलके यहाँ पे ये वाला पूजा करते हैं। ये वाला जो पूजा है इसमें 6 प्रकार का भोग लगता है। इसमें फ्रूट्स या फल या आपका जो वेजिटेबल है उसका भोग नहीं लगता। भोग ऐसे बना के ही लगाते हैं, जो जो दिख रहा है आपको इसी टाइप का भोग लगाया जाता है। पिठा मुंडा ये सब लगता है इसमें लिया। और इसमें दूसरा मतलब फल फलाहार नहीं किया जाता, या फल आपको प्रसाद भी नहीं लगाते, या वेजिटेबल भी नहीं लगाते। तो ये जिस टाइप का पूजा है ये बोल रही हूँ मैं आप लोगों को, बच्चे लोगों का है। तो ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पहले चावल का ऐसे दिया जाता है, चावल को इसको लिंगावरण बोला जाता है, मतलब शिव जी का आकृति यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है चावल से। तो हम लोग थोड़ा सा चावल देके उनको समर्पित करते हैं, और वहाँ पे सुपारी चूड़ी और बाकी जो जो चीज़ यहाँ पे दिया जाता है सब देके इसको किया जाता है। देखिए जैसे किया जा रहा है, पहले सबको ही वहाँ पे सब चीज़ देते हैं, चूड़ी वूड़ी। और आपको जो दिख रहा है ना गोबर से बना हुआ है, उसको एंतुड़ी साड़ो बोलते हैं। और वो दोनों में से पतला पतला धागा लाके जो हमारा बेड बना है ना वहाँ तक टच करते हैं, और शिवलिंग तक टच करके रखा जाता है उसको, उसको पूजा किया जाता है। तो फूल बेलपत्ता सब दे के अभी पूजा करते हैं, फूल माला दे के जो जो आप लाए होंगे चढ़ाने के लिए सब चढ़ा। ध्रुवा वहाँ पे पास में रखा जाता है, और आरती किया जाता है, और सब करते हैं। तो आप पूछोगे कि यहाँ पे वेजिटेबल क्यों पूजा में नहीं लगता है, क्यों नहीं खाते हैं, या पूजा में नहीं लगता है, या फ्रूट्स नहीं लगता है। तो वहाँ पे जो छोटा सा बेड आपको दिख रहा है ना अलग अलग, जो अपना अब बच्चे लेके आए हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए, जो बेड में सुलाए हैं, तो वो सबका अलग अलग है, अपना खुद ला के करते हैं। तो वो बच्चे लोग ना वेजिटेबल से बनाया जाता है, इसीलिए उस दिन वेजिटेबल को हम लोग कट करके नहीं खाते हैं, या खाने में वेजिटेबल नहीं बनाते हैं। जैसे आप आलू या फिर दाल चावल उस टाइप का खा सकते हो बिना प्याज लहसुन का, कुछ जगह पे प्याज लहसुन भी इसमें खाते हैं, लेकिन हम लोग का मतलब पूर्वज से ही, मतलब हमारे सासू माँ उनके ऊपर से ही जैसे वो भी सीखे थे, हमें भी सिखाए कि प्याज लहसुन नहीं खाते। पूजा करते हैं ना तो उस दिन प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, एक ही टाइम खाते हैं, और जो भी खाते हैं सिंपल खाना खाते हैं, तो ये पूजा के बाद ही खाते हैं। तो देखिए ये हम आरती कर रहे हैं सब कोई मिलके। तो यहाँ पे स्वाति शूट कर रही थी, इधर से मैं फ़ोन पकड़ी थी, जो मेरी जेठानी है वो आरती कर रही थी। हम सब लोग मिलके करते हैं। हम लोग पहले ही हमारे चाची सास के घर में करते थे पूजा, अभी 2 साल से हमारे घर में कर रहे हैं। यहाँ पे दीदी ये आरती दे रही है, मतलब वहाँ पे आरती देंगे, फिर भगवान जी को आरती, फिर बाहर आरती, सब आरती यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे पूजा करेंगे। और ये वाला जो पत्ता है ये स्वीट पटाटो का पत्ता है, उसमें एक कपड़ा में हल्दी लपेट के उसके अंदर ऐसे ही डाल के रखते हैं, और वो पूजा में जब बुक पढ़ते जाओगे एक एक करके वहाँ पे डालते जाते हैं। और ये मैं बुक पढ़ना स्टार्ट कर चुकी हूँ, बुक बहुत ही छोटा सा है, 4-5 पन्ने का है, लेकिन पूजा भी बहुत सामान बहुत लगता है इसमें, इतना छोटा छोटा सामान बहुत लगता है, और पूजा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो 1 घंटे का ही पूजा है। तो ये मैं बुक पढ़ रही थी, और यहाँ पे दीदी लोग सबको जो बीच बीच में किया जाता है चीज़ वो कर रहे थे। देखिए एक कटोरी में दूध भी है, तो वहाँ पे बीच बीच में एक मतलब एक एक करके छोटे छोटे बच्चे पैदा होते जाते हैं ना, तो वो उस टाइम पे वो हमारे जो बच्चे हैं उन लोगों को काजल लगाया जाता है, तेल लगाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, वो सब विधि करते हैं। तो ये वाला देखिए यहाँ पे दूध पिलाया जा रहा है, तो धीरे धीरे करके ये वाला टोटल विधि जो जो यहाँ पे बुक में लिखा है वैसे पत्ता एक एक डालते रहते हैं, और ये करते जाते हैं बच्चे लोगों का स्वस्थ, उनका शरीर रखने के लिए, उनको अच्छा
मतलब भगवान जी का आशीर्वाद पाने के लिए ये वाला पूजा मम्मी लोग बच्चे लोगों के लिए करते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत जन नहीं करते, बहुत जन करते भी हैं हमें नहीं पता, पर हम लोग तो इतना ही मिलके बहुत जन करते हैं। पास पास में और एक दो जगह भी पूजा होता है और ये पूजा करीब दिन के 12 बजे मतलब धूप टाइम पर ही होता है। और ये वाला पूजा कम्प्लीट होने के बाद भी और विधि है, मैं दिखाऊँगी जो जो होगा यहाँ पे। वो करने के बाद से बच्चे लोगों को यहाँ पे आपको एक जुई का जो फूल रहता है ना, तो उसका एक लिली फूल जो उसका जो पेड़ रहता है उसका एक डंडा भी पूजा किया जाता है, ऊपर रखा गया है शिव जी के पास। उससे बच्चे लोगों को मारते हैं ताकि उनका शरीर सुस्त रहे, स्वस्थ रहे। और इसीलिए ये मतलब वहाँ पे भगवान जी को चढ़ाते हैं और वो सब बड़े लोग जो हैं छोटे लोगों को उससे मारते हैं, ये वाला किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे हैं। जब पूजा ख़त्म हो जाता है जो दुर्बा रहता है 60 दुर्बा यहाँ पे पूजा किया जाता है, पास में चढ़ाया जाता है भगवान जी के, और वो बच्चे लोगों को उतारते हैं हम लोग। उतारने के बाद उनको प्रसाद देते हैं, वो लोग प्रसाद प्रसाद खाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग प्रसाद खा के खाना वाना खाते हैं। तो यहाँ पे मेरी जेठानी के छोटे बेटे आए हुए थे, वो फ़ोटो उठा रहे थे। हम उनको बोले कि आप थोड़ा फ़ोटो उठाओ हमारा, तो वो पूरा चेयर में चढ़ के मस्त फ़ोटो उठा रहे थे हमारा। बहुत अच्छा अच्छा पिक उठाए हैं, सारा पिक मैं बाद में दे दूँगी और आप लोग देखना। और ये लास्ट आरती कर रहे हैं। आरती दो बार होता है, एक तो फर्स्ट आरती होता है और उसको कोई लेते नहीं है, जैसे हम लोग लेते हैं ना आरती लेने के बाद, वो हम नहीं लेते, उसको रखे रहते हैं। लास्ट में और एक आरती होता है, लास्ट आरती के बाद ये वाला सब कोई लेके प्रणाम करते हैं। तो आरती होने के बाद से क्या होता है मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। देखिए आरती दीदी कर चुकी हैं कंप्लीट और अभी सब कोई माथा टेक कर रहे हैं, नारियल वारियल जो जो फ्रूट्स चढ़ाना है वो कर रहे थे। और ये वाला हम लोग बेढ़ा घूम रहे थे, यहाँ पे 6 बार घूमते हैं, उनके चारों ओर घूमना चाहिए लेकिन जगह के शॉर्टेज के कारण उसी जगह पर ही घूमते हैं 6 बार और भगवान को थोड़ा थोड़ा चावल अर्पित करते हैं। तो ये स्वाति ये लोग किए, उसके बाद मैं कर रही थी यहाँ पर क्योंकि मैं उस टाइम पर खड़ी थी। तो देखिए ये 6 बार ऐसे करके भगवान जी को चावल अर्पित करते हैं और ये पूजा अभी कंप्लीट हुआ। उसके बाद लास्ट में दूध दही जो रहता है ना वो वाला शिव जी के ऊपर उसको डालते हैं, अर्घ्य डालते हैं। तो वो वाला फिर अभी यहाँ पे अर्घ्य डालेंगे। ये जो दूध दही है जो बच्चा होता है ना पूजा के बाद से उसको रखे रहते हैं थोड़ा लास्ट में डालने के लिए। उसके बाद से हम लोग बहुत सारा ये वाला देखिए नारियल का पानी भी यहाँ पे मिक्स किए हैं, इसको भगवान जी को ऐसे अर्पित किया जाता है शिव जी को। तो ये हम लोग अर्पित कर लिए सब लोग मिलके। तो ये पूजा हो चुका है कंप्लीट, सब कोई अभी देखिए नमस्ते करके लास्ट में ये वाला सिंदूर लगाते हैं एक दूसरे को, जो बड़े लोग होते हैं उनको लगाते हैं, बड़े लोग हमें लगाते हैं, फिर प्रणाम करते हैं हम लोग। और ये देखिए मैं चाची जी को लगा रही थी सिंदूर और उनको फिर प्रणाम कर रही थी, और बाकी सबको भी ऐसे ही सिंदूर लगा के प्रणाम किया जाता है। हम सब ने सबको सिंदूर लगा दिया और ये देखिए चाची जी ये वाला जो डंडा से मारते हैं, वो बोल रही थी ना बड़े लोग मारते हैं और बच्चे लोगों को भी मारते हैं ताकि सब कोई बोलते हैं शरीर सुस्त रहेगा बोल के, ये भगवान जी का आशीर्वाद है। तो ये वाला तृतीया उषा बुक था, ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। मैं आपको थोड़ा सा एक लुक दिखा देती हूँ यहाँ पे, देखिए कैसे पूजा हुआ, ये बच्चे लोग सोए हुए हैं। तो ये प्रसाद सब कोई लेके आए थे, मेरा सिंदूर पूरा मतलब पसीने से इधर उधर हो गया था। और ये सब अभी प्रसाद फिर सब कोई को देते हैं, जैसे हमारा प्रसाद उनको देंगे, उनका प्रसाद हमें देंगे। और यहाँ पे उस टाइम पे
हमारे घर के पास मेरे एक मौसी सास रहते हैं, वो आए हुए थे और उनकी बहू और उनका नाती, तो ये हैं मेरी मौसी जी। वो लोग भी पूजा करने गए थे, वो पास में ही दूसरी जगह पे पूजा करने गए थे। ये उनका छोटू सा बाबू, देखिए कितना क्यूट है। तो उसके साथ हमने बहुत सारा फोटोग्राफ्स उठाया। ये मेरे चाची मौसी जी मुझे मार रहे थे, मैं बोले अच्छे से मारिएगा ताकि मेरा तबीयत ठीक रहे, और ये चाची जी मौसी जी को मार रहे थे। तो ये विधि है एक। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत अच्छा लगा पूजा, सब लोग आए और हम तीनों ने भी बहुत अच्छे से पूजा किया, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को पूजा कैसा लगा ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर से मैं बता देती हूँ, ये वाला सठी माता का पूजा है और इसमें सठी माता ने कैसे बच्चे, मतलब एक जन का कैसे प्रॉब्लम हुआ था, फिर वो कैसे सठी माता उसको ठीक किए, वो सब चीज़ बताया गया है। जैसे सारे बुक में रहता है, इसमें भी उसी टाइप का विधि बताया गया और बच्चे लोगों के लिए पूजा किया जाता है। तो सठी माता है बोल के इसमें 60 नंबर आता है, 6 नंबर आता है, 6 टाइप का जो पिठा ये वो बनाते हैं प्रसादी के लिए, वो बनाया जाता है। या फिर आप 62 भी दे सकते हो, तो 62 द्रुबा भी लगता है, तो ये उसी का ही विधि है। तो ये बच्चे लोगों का पूजा है, तो जिस दिन से हम लोग पूजा स्टार्ट किए, तीज के दिन से, तो वो पति लोगों का होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा गणेश चतुर्थी पूजा होता है घर में। नेक्स्ट डे हमारा नुआखाई रहता है और लास्ट डे ये सठी माता का पूजा होता है। तो 4 दिन कंटिन्यू हमारे घर में पूजा होता है, इस टाइम पे फास्टिंग भी रहता है। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए ये वाला। ये पूजा के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होगा, पर हमारे यहाँ पे इसी प्रकार ही पूजा किया जाता है। सब जगह पे अलग अलग प्रांत में ये पूजा अलग अलग टाइप का होता है। तो भगवान जी का ही पूजा है। सब लोग प्रणाम कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।